नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इग्नू एग्ज़ाम, यानी कि इग्नू एग्ज़ाम को कब ना देने पर आपका फ़ायदा होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जब आप प्रिपेयर ना हो पूरी तरह से तो इग्नू एग्ज़ाम कभी ना दें, क्योंकि एक बात आपको जो जानते भी होंगे आप, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम में कम से कम आपको 55% लेकर आने चाहिए। उसी के बाद आप कई सारे एग्ज़ाम जो हैं, चाहे सरकारी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम हो, या आगे कुछ और चीज़ करने के लिए एग्ज़ाम हो, उनके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो कम से कम 55% आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम में लेकर आने होते हैं, और मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम उसमें 50% तो आपको चाहिए ही चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलता। तो ये बात अगर आप ध्यान में रखें तो आप पाएंगे कि आप इग्नू का एग्जाम सिर्फ आपको पास ही नहीं करना है, बल्कि उसमें अच्छे मार्क्स भी लेकर आने हैं। क्योंकि अगर आप इग्नू एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं किसी तरह से, आपका 100 नंबर का एग्जाम है और आप 40 नंबर पर पास हो गए, तो उससे आपका पास तो हो गए लेकिन आपका जो डिग्री में परसेंटेज जो होगा वो गिर जाएगा, आपका परसेंटेज गिर जाएगा और फिर आपके 55% कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, 55% से ऊपर आप नहीं जा पाएंगे। और अगर आप चाहें कि अब मैं इसको सुधार लूं, यानी कि जो 100 में से 40 मार्क्स हैं उसको आप चाहें कि अब मैं आगे एग्ज़ाम देकर इसको अच्छा कर लूं, 100 में से 70 या 80 कर लूं, तो उसके लिए भी आपको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया है तो जब तक आपका पूरा तीनों साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों कम्प्लीट नहीं हो गए, तब तक आप इसको दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते इसका, क्योंकि इग्नू में यही प्रोसीजर है। इग्नू में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम इसी तरह से दिया जाता है कि जब आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाए उसी के बाद आप चाहे बैचलर डिग्री का एग्जाम हो या मास्टर्स डिग्री का एग्जाम हो, तभी आप दे सकते हैं, जब आपके तीनों ईयर फाइनल ईयर तक आपके कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर ऐसा उनको लगता है कि आपके जो 50% से कम है या बैचलर डिग्री में 55% से कम है, तभी वो आपको चांस देते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 बार इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। इसका मतलब कि आपके पास चांसेस कम होते हैं, और उसके बाद फिर 2 साल बाद या 2.5 साल बाद आपको फिर से वही तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी जो आज आप कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की। तो इसलिए अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप उस एग्जाम को छोड़ दीजिए, और 6 महीने बाद उस एग्जाम को अच्छी तैयारी के साथ दीजिए, ना कि अभी किसी तरह से एग्जाम देकर आप मुश्किल से उसमें पास हो जाएं। इससे काफी ज्यादा बेहतर है कि आप या तो फेल हो जाएं उस एग्जाम में, या फिर उस एग्जाम को दे ही ना। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप इग्नू में एग्जाम दे रहे हैं तो इग्नू में एग्जाम देते वक्त आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी होनी चाहिए, कि कम से कम आप 60% का बार जो है उसको तो क्रॉस करें ही। 60 से ज्यादा नंबर आपके आए, 100 में से 60 से ज्यादा नंबर आपके आए, 60% से ज्यादा मार्क्स हर सब्जेक्ट में आए, ताकि ओवरऑल जो परसेंटेज आपकी बने वो भी 60% से ज्यादा बने, जिससे कि आपको आगे किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।